यूनियन परिवार में आप सबका स्वागत है। आज एक नियुक्ति का अनाउंसमेंट है। मुंबई और महाराष्ट्र और पैन इंडिया लगभग 7 लाख से अधिक वर्करों की नेतृत्व करने वाली यूनियन धड़क कामगार यूनियन, और पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के ऊपर बड़े अत्याचार, शोषण, शारीरिक मानसिक शोषण की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है, और उन सब लोगों को एक राहत, एक मदद, एक हिम्मत देने का, मोटिवेशन देने का काम हमेशा ही यूनियन के माध्यम से करते आए हैं। सायरा सत्तानी जी, जो अपने आप में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इस पर हमेशा ही सोशल मीडिया पे बड़ी एग्रेसिव रहती है, अपनी सोच, अपना काम करने का तरीका, अपना ड्रेसिंग, अपना ड्रेस कोड में बड़ी पॉपुलर है, और बहुत से उनके खुद के फॉलोअर हैं, खुद को चाहने वाले उनके बहुत से अपने आप में फॉलोअर्स हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की वो आइडॉल भी है। मैं खुद प्रैक्टिकली उनको गए 2-2.5 साल से मैं भी उनका एक फॉलोअर रह चुका हूँ, तो मैं उनको उनकी काम करने की तरीके मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक फैमिली एटमॉस्फेयर भी वो काम करती है, फंक्शन में, सोशल गैदरिंग में वो अपना प्रेजेंस लगाती है, और मुझे विश्वास है कि महिलाओं को न्याय देने का काम हमारी यूनियन के लिए वो निश्चित तौर पर करेंगी। मैंने उनको आज महाराष्ट्र का वुमेंस यूम विंग का उनको उपाध्यक्ष बनाया है, और हमारे साथ महाराष्ट्र नहीं तो पैन इंडिया, जो हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, PVR, कार्निवल, हीरानंदानी ग्रुप, ऐसे बड़े बड़े जो उद्योग समूह हैं, टाटा, रिलायंस ग्रुप में जो लोग काम करते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी जो समस्या है वो आप मुझसे तो शेयर करते ही है, बट हमारी ये टीम के साथ में भी आप शेयर कर सकते हो, और मैं अभी चाहूँगा कि आगे की जो बात है, जो पूछना है, वो आप सायरा सत्तानी जी से पूछें। सर जी, इस जिम्मेदारी कैसे लेते हैं आप, किस तरह से आप संभालेंगे, किस तरह काम करेंगे? महिलाओं की या फिर धड़क कामगार की जो भी यूनियन है, जो भी मेंबर्स है, फीमेल हो या मेल हो, तो आप किसके लिए पूछ रहे हो? फीमेल में जैसे सर ने आपको, सर ने तो मुझे स्पेशली फीमेल्स के लिए खड़ा किया, लेकिन मैं चाहूंगी कि सर के जो 7 लाख लोग हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरत लगेगी, और मैं वहाँ भी ज़रूर जो मुझसे हो सकेगा वो करने की कोशिश करूँगी। बिकॉज ऑफ सर से मैं मिली तो मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनाती हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी, और आप जितना क्वाइटली चीज़ों को लेकर चलोगे, जितना आप माइंड को कूल रखोगे, तो आप उतना ज़्यादा उसमें काम जाकर कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने खुद, मुझे जब सर से मिली, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस जगह पे आऊँ या जुड़ूँ। सर के सिर्फ बर्थडे के लिए मैं आई थी विश करने, पर इतना अच्छा लगा कि सर के साथ मैं काम करने का सोची। लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ऐसे यूनियन हो या फिर पॉलिटिक्स, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे मेरा दिल चाहता है कि मैं काम करूँ। हाँ, तो नाम होगा तभी तो सायरा सत्तानी जुड़ी ना वहाँ पे, क्योंकि सायरा सत्तानी खुद एक नाम है। सर जी, महिलाओं के लिए पहला कदम क्या होगा आपका? अब मैं आपको ये नहीं बता सकती पहला कदम क्या होगा, जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा प्रॉब्लम वैसा हल। अब मेरे पास कोई महिला जिस तरीके का वो अपना प्रॉब्लम लेकर आएंगे, मैं उस तरीके का उसको सुलझाने की कोशिश करूंगी। हाँ, इंडस्ट्री में भी है, जैसे बहुत सारे काम ऐसे जो छोटे घर के जो लोग होते, बच्चियाँ होती है जॉब पे जाती है, और आई थिंक बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो एजुकेटेड भी नहीं होती पर अपने घर की जिम्मेदारियाँ निभाती है, तो उनके साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ों को मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी। बिकॉज अब मैं खुद एक छोटी जगह से आई हूँ, और मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, और मैंने बहुत छोटी जिंदगी से अपने बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करी। आपने सॉल्व कर लिया, कुछ तरीका ऐसा कुछ बताया कि कुछ हुआ ऐसा महिला पे, तो उठाए कदम उठा लिया गया? देखिए, पहले तो मेरे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था, और ना तो मेरे पास पावर था। अल्लाह ने माध्यम बनाया सोशल मीडिया, और पावर दिया है मेरे सर ने, तो बस आप आगे समझ लीजिए कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, थ्योरी क्या होगी, शाम दाम दंड पे वाली थ्योरी होगी? देखिए, न्याय के लिए हर चीज करनी चाहिए। जैसे एक टूटता हुआ घर को अगर आप झूठ भी बोलकर बचाते हो, तो वो टूटता हुआ घर बचा रहे हो आप।
ना कि आप झूठ बोल रहे हो, तो उसको उस तरीके से देखा जाता है ना। जी सर, आप कहेंगे शक्ति मिल गई आपको? नहीं, निश्चित तौर पर ये अपने आप में सभी लोग ब्रांड है, और सहरा जी खुद बहुत सी ठोकरें खाई हुई है, तो मुझे विश्वास है कि वो ठोकरों से अपने आप को एक एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो एक्सपीरियंस के माध्यम से वो आगे लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगी। और बहुत सीरियस टाइप की पर्सनालिटी है, और चीज़ें समझने की उनमें एक क्षमता है, तो ऐसे ही सीरियस व्यक्ति की मुझे तलाश थी और मुझे मिली। थैंक यू। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।